में खबरें हैं, इमरान खान साहब और उनकी करप्शन कहानियां जो इनके इर्द गिर्द घूमती रही हैं। काला धंधा जो है ना, 3.5 साल में वही वाइट हुआ है। मैं ऐसे ही परेशान किसी टाइम होता था कि यार, जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर 2018 तक का कर्जा, और 2018 से लेके 2022 तक का कर्जा, ये 3.5 साल में इतना पैसा अरबों खरबों आया, वो गया किधर है? कोरोना के दरमियान में जाहिर अरबों रुपए की जो आपकी मदद, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें, किधर जाता था पैसे? ये सब बताते हैं आपको पैसा किधर जाता था। पर इससे पहले कि आपकी वीलो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है ना, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक और कमेंट करें। फेसबुक का जो सोशल मीडिया टॉक शो नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इमरान खान के हर काले धंधे और रियासत मुहालफ मुहिम जेई में एक ही नाम सामने आता है, वो बुशरा बीबी का है। अच्छा यार, ये पिंकी पीरनी लफ्ज जो है ना, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों नहीं निकलता। शायद मेरे ख्याल में, वैसे तो उनका नाम है, लोग उनको इसी नाम से पुकारते हैं, बट मैं बस बुशरा बीबी तक ही इक्तफा करता हूँ। हालांकि मेरे कुछ दोस्त जो हैं, ये नाम फख्र, मतलब ठीक है, मेरे ख्याल में बुशरा बीबी ही मुनासिब नाम है, तो जो पिंकी पीरनी वाला है ना, वो लफ्ज रहने ही देते हैं तो बेहतर है। खैर, पिंकी पीरनी का नाम इमरान खान के हर काले धंधे में, और जो रियासत मुखालफ जो कंपेनें चलती थी, वो जिसे कहा जाता था कि जी इसको गद्दारी से मुंसलिक कर दो, इसके पीछे नाम सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी का आता है। इमरान खान ने कोई ऐसा काम बुशरा बीबी के बगैर नहीं किया जिसने आज तहरीक इंसाफ को तबाही के दहाने पर खड़ा कर, इसमें कोई शक ही नहीं है। बुशरा बीबी ने फरा गोगी के जरिए जो करप्शन की, अब वो सारी दुनिया के सामने है। एक बारी गेम डाली जाती रही, सब कुछ फरा गोगी के जरिए कराया जाता था। पिंकी पीरनी का नाम ना आए, लेकिन चोर सबूत तो फिर छोड़ ही जाते हैं। ये हो नहीं सकता कि चोर चोरी करे और वो कोई ना कोई सबूत ना छोड़े, चाहे वो 10 दिन के बाद सामने आए, चाहे 4 साल और चाहे 2 साल के बाद। यहां भी ऐसा हुआ है, फरा गोगी के जरिए वारदातें डालने के दौरान कुछ सबूत मिल गए हैं जिसके मुतल्लिक इंसार अब्बासी साहब ने काफी चीजें वाजिया कर दी हैं। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बड़े वाजिया इम्कानात हैं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद होगा, हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि आज नहीं तो कल बुशरा बीबी जो है वो गिरफ्तार होंगी और होकर रहेंगी। अंसार बादशाह फरमाते हैं कि बाखबर जराए का कहना है कि नैब वाले कुछ शवाहद का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं, और अगर तस्दीक होगी तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुलजम में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो शायद इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, ये लग रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो गवाह ना रहे बल्कि केस में मुलजम बन जाएं। यानी पहले बुशरा बीबी नैब में बतौर गवाह पेश हो रही थी, लेकिन अब सबूत ऐसे मिल गए हैं कि वो खुद मुलजमा बनने जा रही हैं। इनके खिलाफ काफी हद तक सबूत वाजिया हो चुके हैं। जराए ने यह भी बताया है कि नैब को कुछ नए शवाहद मिले हैं जिनकी क्रॉस चेक की जा रही है। इन शवाहद की तस्दीक हो गई तो बुशरा बीबी नैब की मुलजमा बन जाएंगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि ये शवाहद पैसों के लेन देन से जुड़े हैं, जो बुशरा बीबी ने मुबीना तौर पर, अभी इसलिए कह रहे हैं मुबीना तौर पर क्योंकि जाहिर है जब सामने सारा कुछ आएगा, जो वो सबूत मिले हैं जब वो पब्लिक कर दिए जाएंगे तो फिर कहा जाएगा, इसलिए हम इसको मुबीना तौर पर कह रहे हैं। इसके अलावा दीगर कुछ केसेस जिनमें तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का केस है। नैब के जराए के मुताबिक नैब ब्यूरो जल्द ही इन केसेस की तहकीकात मुकम्मल करके इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर सकता है। फरा गोगी की जो नई जायदादों की तफसीलात नैब के हाथ लगी हैं, ये जेल में कैद इमरान खान पर मजीद लंका ढा सकते हैं, क्योंकि इसमें बराह रास्त बनी गाला के ताने बाने मिले हैं। फरा गोगी और इमरान खान की 3 साल हुकूमत में अरबों पति कैसे बन गई, जाहिर है इसमें पिंकी पीरनी का भी हिस्सा होगा। ये हो नहीं सकता ना कि फरा गोगी जो है अगर 10-15% 20% कमीशन लेकर अरबों रुपया उसने बना लिया है, तो जिसके लिए वो काम कारोबार धंधा हो रहा था, सोचें वो कहां से कहां तक पहुंच गए होंगे। ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो आपके सामने आने वाली है। इधर इमरान खान की किचन कबीना का हिस्सा रहने वाले वो शख्सियत जिन्हें इमरान खान ने अपनी हर इंतहाबी मुहिम में बेचा था, मेरे पास असद उमर है, ये मेरे वजीर खजाना होंगे और ये मुल्क को बहरानों से निकाल देंगे। मतलब पोस्टर बॉय था असद उमर इमरान खान साहब का, हर जगह पे वो 5-7 साल असद उमर को ही बेचता रहा। असद उमर ने आज बाकायदा इमरान खान को छोड़ दिया, सियासत छोड़ दी, आइंदा इलेक्शन भी ना लड़ने का ऐलान किया है। मौसूफ मुमकिन है अपनी पुरानी नौकरी कर वापस चले जाएं। जी एंग्रो की बात कर रहा हूं, और किसी कंपनी को डुबोने के लिए कोई अच्छी कंपनी चल रही होगी, असद उमर साहब को वहां पे फिट किया जाएगा और उस कंपनी का बेड़ा गर्क करके तशरीफ वापस
वहां से भी ला सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो वापस अपनी किसी नौकरी पर चले जाएं। लेकिन बतौर सियासी कारकुन मेरे लिए अच्छी खबर नहीं है। किसी सियासतदान का सियासत को छोड़ना बहुत बुरी खबर होती है, लेकिन लोगों को यहां तक लाने में इमरान खान साहब का बड़ा हाथ है, और इमरान खान से बड़ा इन खुद इन लोगों का है कि जब लीडर आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहा है तो आप उसके मुलाजम नहीं हैं, आप नजरियाती तौर पर अगर लीडर के साथ हैं तो उसको रोकें, उसको टोकें, उसको ये सब कुछ करने से मना करें, जो ये जो खुद को, लेकिन इनका प्रॉब्लम था ये कि खुद अपने खुद को रियासत से भी अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, बड़ा करार दे रहे थे, तो फिर उसमें यही होना था जो आज हुआ। खैर, जब आप सियासी मुखालफिन को चींटियों की तरह अपने पैरों तले रोंदने की कोशिश करेंगे तो एक दिन वो चींटियां आप खुद भी बन सकते हैं, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बने हुए नजर आ रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा से एक अफसोसनाक खबर मिली है। वहाँ के निगरान वज़ीर आज़म आज़म खान अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। आज़म खान एक कामयाब ब्यूरोक्रेट थे, इनके नाम पर अपोजिशन और इस वक्त की पीटीआई वज़ीर आज़म में कोई भी इतराज़ नहीं किया था। थोड़ी सी बीमारी और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन सूबे में एक आइनी बहरान पैदा हो गया इनकी क्योंकि इनकी तैनाती तो इस वक्त के वज़ीर आला और अपोजिशन ने लीडर ने की थी। अब इनकी वफात के बाद तो सूबाई काबीना भी तहलील हो चुकी है। सवाल यह है कि नए वज़ीर आला का तकरर कौन करेगा और ये कैसे होगा? क्या वही वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर करेंगे? अब तो पार्लिमानी कमेटी भी मौजूद नहीं है, आइन में शायद यहाँ खामोश है। कुछ माहरीन कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करेगा, लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला का नाम फराहम कौन करेगा, उनको इस्तलाल करेगा? देखें, आपने जितना कंप्लीट कानून साजी की हुई है, लेकिन कुछ मामले अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी गुंजाइश मौजूद है, और यही मेरे ख्याल में जो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में हुकूमतें आती हैं उनका यही काम होता है कि जहाँ जहाँ पर कुछ अभी, अब देखें ये वाला कितना बड़ा एक आइनी बहरान पैदा हो गया है कि क्या किसी जगह पे कानून में ये नहीं है कि वज़ीर आला निगरान वो फौत हो जाए तो उसके बाद उसका तरीकाकार क्या होगा? तो अभी तरीकाकार कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इससे पहले हैपन नहीं हुई। तो उस साढ़े देसियां कहते ना कि असी मतलब कि जो यूरोप रहने ना, तो साढ़े को वादा काटा हो जाए ना, अस फिर कहने कि हूँ कैमरे तलार लुआ लो, पहले कम चलाई रख रहे हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि शायद अब जाकर देखा जाएगा कि इसके बारे में कोई कानून साजी की जाएगी, लेकिन खैर अल्लाह खैर खरीद से, अल्लाह उनका अगला सफर आसान फरमाए और इस जो बहरान पैदा होने वाला है इसको, बहरान पैदा होने से पहले ही इस पर काबू पा लिया जाए और वहाँ पर काबीना और साथ में वज़ीर आला का नाम सामने आ जाए। ज़ाहिर नकवी ने अपने शोकास नोटिस का एक और जवाब जमा करा दिया। मसूफ ने जुडिशनल काउंसिल के मेंबरान पर ही इतराज़ उठा दिया कि तुसी कौन हो भाई, मेरे खिलाफ है करने वाले। मसूफ ने काजी फायद ईसा, जस्टिस तारक मसूद, जस्टिस नईम अफगान पर अफगान पर इतराज़ उठाया है और कहा है कि इन तीनों पर मुझे एतराज़ है, ये बेंच से अलहदा हो जाए। मज़े की बात तो है कि जस्टिस तारक मसूद पर जो एतराज़ ज़ाहिर नकवी ने उठाया वो इंतहाई भोंडा है। मसूफ ने किसी सदीक जान टाइप यूट्यूबर की जेली स्टोरी पर एतबार किया। यूट्यूबर ने रिपोर्ट में कहा कि जस्टिस तारक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में हालिया दिनों में तैनात होने वाले जज की तकलीफ से हलफदारी में मेरे खिलाफ बातें की हैं और जुडिशनल काउंसिल के कार्रवाई इनको बताई है, जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं। और यूट्यूबर डॉलर चक्कर में, मतलब वो इमरान खान वाला स्टाइल हो गया ना कि उधर से वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ राजा आदल वो मतलब कि स्टोरी करता था वहाँ से, और इमरान खान उसको अपने जलसे की जीनत बना लेता था और लोगों को वरगलाता था। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो एक यूट्यूबर और एक भागे हुए भगोड़े मेजर की इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी। और यहाँ पर ये जज साहब जो हैं वो भी कोई इसी किस्म की गेम खेल रहे हैं कि उनको लग ये रहा है कि क्योंकि जो यूट्यूबर ने स्टोरी की है उस स्टोरी के मुताबिक या उस वजह से क्योंकि मेरे खिलाफ इन्होंने बातें की हैं जस्टिस साहब ने, तो इसलिए उनको मतलब इससे हटा दिया जाए। तो मतलब अब ज़ाहिर नकवी साहब जो है वो उनके पास, वो हमें बताया था कादर साहब, इरफान कादर साहब ने, कि इसके पास वो रास्ता भी नहीं रहा कि ये इस्तीफ़ा दे के भाग जाए जी। ज़ाहिर नकवी साहब के पास वो रास्ता भी नहीं रहा कि ये यहाँ पर अब इस्तीफ़ा दे और भाग जाए और इसकी जो मराहत हैं, इसको जो जो सहूलतें मिलनी है वो सब की सब मिलती रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ें आगे इतनी तरह, अब देखें इनका इन गंदगियों का सफाया करना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी अदारे में हो, और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जिसे मजबूत अदारा समझा जाता है, अगर वो अपने अदारे में इस तरह के गंद साफ कर रहा है, चीज़ें साफ कर रहा है, तो फिर अदलिया को भी मेरे ख्याल में ख्याल करना चाहिए और किया भी जा रहा है। तो ये जो जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब जो हैं, जिन्होंने अब वो परवेज मुशर्रफ वाला जो आप लोगों को याद है, उस वक्त अब कहा जा रहा है कि जी उन्होंने उस वक्त जो थे आपके जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, उनसे कहा था कि जी मुझे एक तो ऊपर लेके जाएं और दूसरे मेरे ये मसले हल करें तो मैं मुशर्रफ वाला पूरा केस बेंच अदालत समेत ही उड़ा देता हूँ, और ऐसा ही हुआ था। अब उस पर जाकर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया था।
अब हमें समझ आ रही है कि ऐसा क्यों किया गया था। तो ऐसे जैसे इस जैसी काली भेड़ों को, भेड़ियों को जो है ना, भेड़ों और भेड़ियों दोनों को सफाई जब तक महकमे से नहीं होगी, इस अदारे से नहीं होगी, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल किया गया। और पिछले 5-7 साल में जो इस अदारे के साथ हुआ है, अब बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कई साहब से कुछ इस्लाहात कर जाएंगी और इस जैसे लोगों को सिस्टम से निकाल देंगे। दोस्तों बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह बस कुछ दिन की और बात है, फिर अपने सेटअप पे जाएंगे तो फिर डेली हमारी जो रूटीन होती थी वही रहेगी। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात।